तो गाइज़ यहाँ पे ये है हॉस्पिटल का दो तीन दिन बाद का व्लॉग, जो कि मैं अभी बैठी हुई नज़र आ रही हूँ। ऑपरेशन के बाद दो तीन दिन तक तो आईसीयू मतलब ना नीचे ही रखा गया था। अब पता नहीं उतना मैं भी नहीं जान रही हूँ, बट वह नीचे ही थी और उसके बाद मुझे ऊपर शिफ्ट किया गया। एंड और अब मैं बैठी हूँ तो मेरी कंडीशन पहले से बेहतर हो चुकी थी, मतलब बैठा दिया गया था मुझे उठा करके, और बस चलना वलना रह गया था। तो चलना शायद दो तीन से तीसरे दिन ही शायद वो करवा दिया जाता है। सेकेंड डे का ब्लॉक था जो कि मुझे उठा के बैठा दिया गया था। और उसके बाद बाबू भी सोई हुई थी और गन्नू की मस्ती मेरी बहुत ज़्यादा होती है इस हॉस्पिटल में। गन्नू को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कूदता था ना कि सारी नर्सें आकर के मुझे बोलती थी आपका बेटा है ना बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा। और उसे ना या तो मैं मम्मी के साथ घर भेज देती थी कि कुछ काम रहता था, मम्मी चली जाती थी घर। और ये है लास्ट डे का व्लॉग, जो कि ना डिस्चार्ज वाले दिन का ही है। मैं एकदम से तैयार व्यार होके बैठ गई थी कि चलो आज ना डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर को वो करते हैं, डॉक्टर क्या बोलती है उस हिसाब से। तो अभी तक तो डॉक्टर आई नहीं थी, और उसके बाद जब आई तो बोली
कि डिस्चार्ज होने वाला है, तो हाथ के जो ये सब थे ये सब निकालने थे। और उसके बाद मैं बाबू के साथ मेरे खेलने लग गई। मम्मी आई थी, नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने किया अच्छे से, और उसके बाद मम्मी चली गई घर और मैं जाऊँगी इनके साथ। तो आगे के ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग आगे का ब्लॉग देखना ना भूलें, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए भी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहें, ओके।